हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मटर की पूरी। तो चलिए जानते हैं उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मटर ले लिया है, तो अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे और मटर को उसमें हम डाल देंगे। और एक हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। तो एक हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें लहसुन की कलियां कुछ डाल देंगे, 5 से 6, और नमक डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मीठा के लिए नहीं है, बस बैलेंस करने के लिए है, जिसमें अच्छा स्वाद आएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पीस चुका है। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप जो भी तेल डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे। और जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसे भी अब हम डाल देंगे। तो मैंने इसे डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे। तो हमें इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। तो ये बिल्कुल सूख जाना चाहिए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से ये सूख चुका है। तो इस तरीके से हमें चाहिए। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तभी हम इसकी पूरी बनाएंगे। तो मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल ठंडा हो तभी आप बनाइएगा। तो चलिए तब तक हम इसका आटा सान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मंगरेल अजवाइन डाल देंगे, नमक डाल देंगे, रिफाइन ऑयल डाल देंगे, अब इन सब को हम पहले ड्राई मिला लेंगे। तो हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है इसे, ताकि नमक ऑयल सब आपस में अच्छे से मिल जाए और जब हम बाइंड करें तो ये अच्छे से बाइंड हो। हमें और अच्छे से मिक्स करना है इसे। पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब आटा हमें न सख्त गूंदना है न गीला, तो इस तरीके से हम अच्छे से आटा गूंद लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया है, ये ना ज्यादा सख्त है ना गीला है। हमें इसी तरीके से आटा गूंदना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और इस तरीके से हम आटे को की लोई ले लिया है, इसे अच्छे से इस तरीके से ना देंगे और इसे ऑयल लगा के हम बेल लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे। और जो हमने मटर का मिक्सचर बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इस तरीके से हम लेंगे और एक इस तरीके से लेंगे और इसे इसमें
इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे और हल्का प्रेस करते हुए इसे हम इस तरीके से दबा देंगे। और अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी पूरियां बना लेंगे, उसके बाद ही हम इसे तलेंगे। तो चलिए हम सारी पूरियां बना लेते हैं। तो इसी तरीके से सारी पूरियां बना लेंगे और चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पूरियां डाल देंगे और इनको हल्के हाथों से हम इस तरीके से दबा के एक तरफ से हम अच्छे से लाल होने देंगे, तभी हम इसे टर्न करेंगे। तो मैंने इसे टर्न कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे इस तरीके से हम हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे तरीके से तल लेंगे। तो बिल्कुल हमें इसे लो फ्लेम पे ही तलना है। तो पूरी हमारी हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। तो ये मटर की पूरी हमारी बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कितनी इजी तरीके से बन जाती है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी मैं अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।